मंत्री संजय किसान ने रखी कई सड़कों की नींव। एसओपीडी योजना के तहत निर्माण होंगी कई सड़कें। आज चाय जनजाति कल्याण एवं श्रम मंत्री संजय किसान द्वारा तिनसुकिया विधानसभा क्षेत्र में एसओपीडी योजना के तहत निर्माण होने वाली कई सड़कों की नींव रखी। वर्ष 2019-20 एसओपीडी योजना के तहत निर्माण होने वाली भेड़बेरी गाँव से कथालगुड़ी सड़क, ज्योति नगर सड़क, हैबेदा गाँव सड़क, बोरजान से बीसपुटिया तक वाली सड़क, कंचन नगर सड़क, डेकिया जुड़ी बंगाल गांव सड़क, अशोक नगर सड़क के साथ साथ महाकाली से कासोमारी तक निर्माण होने वाली सड़क की नींव मंत्री संजय किसान द्वारा रखी गई। लगभग 25 करोड़ की लागत से इन सभी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। जब हम लोग ने इस सरकार के जरिए हम लोगों ने समाज की जिम्मेदारी लिए थे और तभी हम लोग बोले थे कि हम असम के लिए कुछ परिवर्तन लाएंगे और परिवर्तन की नमूना ही है। आज करीबन एक दिन में ही हम करीबन 25 करोड़ रुपया लेकर के हम लोग आज आधारशिला रखे हैं। केवल आधारशिला ही नहीं, खूब जल्दी हम इस रोड को काम को खूब सही ढंग से आगे लेकर के जाएंगे। आज एसओपीडी के जरिए करीबन 15 करोड़ रुपया हम लोग आधारशिला रखे हैं और करीबन सिग्नेचर के जरिए करीबन 10 करोड़ इसी जगह पे हम लोग आधारशिला रखें और मैं आशा करता हूँ खूब जल्दी ही ये काम हो उठेगा और ये रास्ता हो जाने के बाद काफ़ी खास करके कॉलेज के स्टूडेंट लोगों को काफ़ी फायदा होगा और मैं कोशिश करूँगा कि इस रास्ता के बीच एक कम से कम बस चलाने का व्यवस्था हो ताकि स्कूल हो या कोई अपना काम से शहर अगर जाना पड़े तो वो बस के जरिए जाए, ये मैं कोशिश करूँगा। और आने वाला दिन के लिए भी काफ़ी हम योजनाएँ बना करके रखे हैं, विशेष करके पीएम जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना के जरिए हम काफ़ी योजना बना करके रखे हैं। काफ़ी बड़े रास्ते को हम लोग फिर से नया तरीका से हम लोग बनाएंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाला दिन में भी काफ़ी सड़क का काम हम लोग कर पाएंगे। और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री, धन्यवाद देता हूँ माननीय गढ़कप्तानी डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी को कि उन लोगों के आशीर्वाद से ही हम काफ़ी रास्ता के काम हम लोग कर पाए हैं। और मैं आशा करता हूँ महाकाली वासी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि और सभी को धन्यवाद देता हूँ कि वो लोगों का सहयोग से ही हम ऐसा माफी काम हम लोग कर पा रहे हैं और आने वाला दिन में भी मैं सभी को आशा करता हूँ कि सभी का हमें आशीर्वाद मिले ताकि हम फिर से हम लोग काम कर सकें।